हेलो दोस्तों, राम राम। मैं आपका अपना भाई राज घोड़ा और आपके अपने चैनल राज घोड़ा मालपुरा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम आज निकले हैं हमारे गांव के विजिट पर और हम यहां से सीधे मालपुरा के लिए रवाना हो गए। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और बने रहिए। दोस्तों, मालपुरा में जाते वक्त एक रास्ते में घाटी का सीन आता है जो हमारे गाँव की तरफ है। अगर हमें जाना होता है मालपुरा से तो इस घाटी से होकर गुजरना पड़ता है। काफ़ी अंधेरा हो जाने के कारण घाटी का सीन डरावना भी था तो एक अच्छा नज़ारा भी लग रहा था। आप खुद देखिए, ये घाटी का है जिसे हम वीडियो में थोड़ा स्पीड से आपको करके बता रहे हैं ताकि आप देखने में आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन जब दिन में इस घाटी को देखें तो बहुत ही अच्छी सुंदर, ये मालपुरा के पास ही चांदसेन पर्वत पर बनी हुई घाटी, एक बहुत ही अच्छा सीन होता है। चांदसेन के पास तो वहाँ पर मैंने एक भजन भी गाया। दोस्तों, रात में हमने अपने छोटे मोटे सभी दोस्तों के साथ छाए बनाए और काफ़ी मज़ा लिया और उसके बाद हम अगले दिन मेरे मामेर ससुराल चांदसेन में, वहाँ बगीचा है अमरूदों का और बेरों का, वहाँ गए और काफ़ी, आप जो फोटो देख रहे हैं वहाँ पर बहुत मज़ा आया। हमने वहाँ पर बेर भी खाए और अमरूद भी लेके आए और दोस्तों फिर वापस आए, हमने अपने सब काम किए और फिर अगले दिन हम हमारे गाँव की तरफ निकल गए। तो दोस्तों, चलते हैं अब गाँव। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं काफी अच्छे प्यारे खेतों का नजारा, एंजॉय कीजिए। दोस्तों, यह है हमारा इंजन, डुगडुगिया इंजन हस्तान में इसको कहते हैं। तो यहाँ हम खेत में गए दूसरे दिन हमारे खुद के खेत में और वहाँ पर मैंने इसको स्टार्ट किया, काफ़ी मज़ा आया। अब मैं आपको पूरी डिटेल से बताता हूँ कि कैसे इंजन को स्टार्ट किया जाता है और कैसे खेतों में पानी को पिलाई किया जाता है। ये मेरे खुद के खेत का खुद का इंजन है। दोस्तों, इंजन स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा इसका तेल वगैरह कि इसमें तेल कितना है, और हमने इसमें नाप लिया कि तेल है और हमारे खेतों में चल जाएगा, पानी आने की सप्लाई हो जाएगी। ये मेरे दोस्त है कालू राम मीणा फ्रॉम समदपुरा, और साथ मेरा भाई है और दोस्त भी है, भाई भी है, दोनों है। ये देख कैसे मुस्कुरा रहा है। इधर ये पापा है जो यहाँ पर पाइप को सेटअप कर रहे हैं कहीं पानी लीक ना हो जाए। और अब यहाँ पर इंजन स्टार्ट करने के लिए पहले उसमें क्या करते हैं, हम पानी डालते हैं जिससे कि पानी से पानी का जो इंजन पानी उठाता है ना उसका एक बैलेंस बन जाता है। तो पहले हम पानी डाल रहे हैं उसमें। तो ये देखो, डॉन भाई है हमारे, ये है उस खोड़ा, बिल्कुल ये डेंजर आंखों से, निगाहों से देख रहा है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर देख रहे हैं आप
पापा और ये दोनों पानी डाल रहे हैं इसके अंदर और मैं रेडी हूँ इंजन स्टार्ट करने के लिए। इसका एक नियम होता है, जो एक नलकी दिखाई दे रही है ना आपको नीचे, इसमें से जब पानी डालते हैं और ओवरफ्लो का पानी इसमें से नीचे आने लग जाता है, तब हम समझ जाते हैं कि इंजन स्टार्ट होने के लिए तैयार है। और आप देख रहे हैं कि पानी आ चुका है नलकी में, तो अब यानी कि इंजन स्टार्ट होने के लिए तैयार है। देखिए दोस्तों, ये इधर से पानी डाल रहे हैं और ये निकट हमारा खुद का है। तो देखिए दोस्तों, इस नलकी में देखिए नीचे पानी आ गया, यानी कि अब इंजन स्टार्ट होने लगता है। हमारे गेहूं के खेत है और इस बार काफ़ी अच्छी फसल है। आप देख रहे हो कि किस तरह पिलाई की जाती है गांव में, किसान किस तरह मेहनत करते हैं। और ये सरसों है जी, बिल्कुल ये हमारे यहाँ सरसों कहा जाता है या फिर काली सरसों भी इन्हें कहा जाता है। रायडा भी इसे कई जगह बोलते हैं मारवाड़ में, लेकिन यहाँ पर हम इसे सरसों बोलते हैं। दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपके अपने भाई राजखोड़ा मालपुरा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अगली वीडियो में, गांव से जहां से भी आपकी जो भी कोई इच्छा हो कि आप भाई वहां का वीडियो बनाओ, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ओके, थैंक यू। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, नीचे जो बटन दिया गया उसे दबाकर सब्सक्राइब कीजिए।